अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के नेतृत्व में राज्य के सभी विभागों बोर्ड निगम के ठेका कर्मचारी शुक्रवार 2 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर ठेकेदारों से शोषण से मुक्ति के लिए एक दिवसीय ध्यान आकर्षण धरना देंगे। कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ठेका कर्मचारियों के लिए बजट घोषणा 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य भर के सभी ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति के लिए रैक्सको की तर्ज पर RSLDC यानी राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार में इसके गठन की प्रक्रिया का कार्य धीमी गति से चल रहा है और आज तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे राज्य भर के ठेका कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों में व्याप्त रोष को देखते हुए शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। धरने में चिकित्सा सचिवालय, जनस्वास्थ्य ऊर्जा विभाग, पंचायती राज स्वास्थ्य शासन विभाग, कृषि आबकारी कोष एवं लेखा विभाग सहित राज्य के सभी सरकारी और बोर्ड निगम आयोग के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। और राजस्थान सरकार जो पिछली सरकार थी 2023 में, पिछले कई वर्षों से हमने जो ठेका के कर्मचारी राजस्थान भर में करीबन 2 से 2.5 लाख ठेका के कर्मचारी है जो ठेके से शोषण से मुक्त थे, और ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति के कारण हमने राज्य के सरकार को कई बार ज्ञापन दिए कि इनको ठेका जिस संविदा में लिया जाए, परंतु इन्होंने 2023 के बजट घोषणा में RSLDC की घोषणा की थी और वो घोषणा अभी तक घोषणा ही है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग पिछली सरकार में भी हमने प्रयास किए थे और इस सरकार के आने के बाद हमने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रशासनिक सचिव हो, सभी से हमने कई बार ज्ञापन दिए और ज्ञापन के माध्यम से हमने एक ही मांग की कि RSLDC के जो ठेके कर्मचारी उनका गठन करके और उसमें समायोजित किया जाए, परंतु राज्य सरकार ने ढिलाई के कारण आज तक RSLDC की अधिसूचना जारी नहीं हुई, जबकि राजस्थान की जो नई सरकार है इसने कैबिनेट में इसको स्वीकृति दे दी, उसके बावजूद भी आज राजस्थान में ठेका कर्मचारी है जो शोषण से मुक्ति नहीं मिल रही है। इसी बात को लेकर राज्य भर के ठेका कर्मचारी कल 2 अगस्त को शहीद स्मारक पे बहुत बड़ा संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद में भी राजस्थान की सरकार नहीं चेतती है तो मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में कल हम इसकी घोषणा करेंगे और मैं समझता हूं कि राजस्थान के समस्त ठेका कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी। राजस्थान के प्रत्येक विभाग में जितने भी ठेका कर्मचारी है वो सारे के सारे यहां भाग लेंगे और उस जो प्रदर्शन होगा वो आज कल हमारा सांकेतिक राजस्थान की सरकार को चेताने के लिए प्रयास है और कल राजस्थान की सरकार, मैं समझता हूं इतनी संवेदनशील सरकार नहीं हो सकती कि कर्मचारियों की बात को नहीं माने, जबकि RSLDC का गठन हो चुका है, सिर्फ अधिसूचना जारी है। मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल प्रदेश भर के ठेका कर्मचारी यहां शहीद स्मारक पे धरना देंगे। मैं आपको बता दूं जयपुर में विधानसभा के दौरान ये पहला धरना, क्योंकि यहां परमिशन नहीं दी जा रही थी राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के कारण, जो हमें DC ने, जो हमारे यहाँ कमिश्नर है उनसे मिलकर हमने ये परमिशन लिए और एक दिन की परमिशन है, निश्चित तौर पे हम एक दिन के लिए धरना दे रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे लोग और राजस्थान की सरकार को चेतावनी देने आ रहे हैं।